हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। आज 10 अप्रैल 2019 की सभी कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए एक बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ, बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। चुनाव से पहले मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, आपको पूरी जानकारी दी जाइए, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। चलिए आपको लेके चलते हैं उस न्यूज़ पर। न्यूज़ ओपन हो रहा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 सेकेंड का। आप देख सकते हैं न्यूज़ में ये आया हुआ, चुनाव से पहले इन कर्मचारियों को मिलेगी आयकर विभाग से राहत। पूरी न्यूज़ आपको बताएंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अगर इन कर्मचारियों की यह मांग पूरी कर दी गई तब यह लगभग 9 लाख कर्मचारी इस फैसले से प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे। आम चुनाव से एन पहले अर्धसैनिक बलों के जवानों को केंद्र सरकार से खुशखबरी मिल सकती है। वित्त मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को हाल में ही भरोसा दिलाया है कि उसकी इस मांग पर विचार करेगा, जिसमें इन बलों को मिलने वाली राशन मनी यानी राशन से जुड़े और रिस्क एंड हार्डशिप जोखिम और आपात स्थिति के लिए जो अलाउंसेस भत्ते को आयकर दायरे से बाहर करने के लिए कहा जा रहा है। यह बात कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कही गई है। समाचार एजेंसी पीटीए के मुताबिक अगर यह मांग पूरी कर दी गई तब अर्धसैनिक बलों के 9 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इनमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी शामिल हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से आगे पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि गृह मंत्रालय को भेजी ताज़ा चिट्ठी में वित्त मंत्रालय ने कहा है कि लंबे समय से चली आ रही मांग का मसला बजट से जुड़ी प्रक्रिया के द्वारा जांचा परखा जाएगा। अर्धसैनिक बलों में नॉन गेजेटेड रैंक के अधिकतर कर्मचारी मसलन कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को प्रति 3,000 रुपये आरएमए के तौर पर दिए जाने होते हैं। उधर सातवें वेतन आयोग के तहत भारतीय रेलवे ने तीनों पदों को एकीकृत करने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमर्शियल क्लर्क सीसी, इंक्वायरी या रिजर्वेशन क्लर्क ईसीआरसी, टिकटिंग क्लर्क टीसी के रेलवे से अब केवल एक ही भर्ती परीक्षा आयोजित कराएगा। ये तीनों पद मिलकर ही एक इकाई का रूप ले लेंगे। वहीं पुरानी व्यवस्था में इन तीनों के लिए अलग अलग भर्ती परीक्षा कराई जाती थी। तो मैंने आपको बता दिया, आपकी जो हार्डशिप और राशन अलाउंसेस है वो उसमें जो भी पैसा आपको मिलता है वो आपको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर करने की बात चल रही है, वो मिल जाता तो आप सभी के लिए चुनाव से बड़ी पहले एक बहुत बड़ी राहत होगी। सभी कर्मचारियों के लिए, जो भी पैरामिलिट्रीज के एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।